नमस्कार दोस्तों, यह है जलेबी बाबा। जलेबी बाबा ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 120 महिलाओं का रेप किया। रेप तो करता ही था और साथ में वीडियो भी बनाता था। आइए इसी बाबा के बारे में आज बात करते हैं इस वीडियो में। हरियाणा के जलेबी बाबा सेक्स स्कैंडल में दोषी ठहराए गए बिल्लू राम उर्फ अमरपुरी को फतेहाबाद की कोर्ट ने 14 साल की सजा सुना दी है। हरियाणा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अमरपुरी उर्फ बिल्लू उर्फ जलेबी बाबा नाम के इस फर्जी बाबा के पास 100 से अधिक महिलाओं के साथ रेप का वीडियो बरामद हुआ, जिसमें वो नशे की गोलियां खिलाकर महिलाओं के साथ रेप करता था। ये जो जलेबी बाबा है, इसका असली नाम है अमरवीर। ये पंजाब के मनसा जिले का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये हरियाणा के टोहाना में जलेबी की रेहड़ी लगाता था, यानी जलेबी की दुकानें लगाता था। इसकी दुकान चलने लगी और समय बीतने लगा। उसी दौरान इसकी पत्नी की मौत हो जाती है। इस जलेबी बाबा की 4 लड़कियां हैं और 2 लड़के, जो कि सभी शादीशुदा हैं। कहा जाता है कि जब इसकी पत्नी की मौत हो जाती है, तब उसी दौरान एक तांत्रिक से इसकी मुलाकात होती है। ये जो जलेबी बाबा है, उस तांत्रिक को अपना गुरु मान लेता है और जो तांत्रिक रहता है, इसको शिक्षा दीक्षा देने लगता है। और कुछ समय बाद ये अपना गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ सालों बाद ये फिर वापस गांव में आता है। वहां पे मंदिर का निर्माण करता है और मंदिर में ही रहने लगता है। तो जहाँ पर मंदिर होता है, जायज बात है, 2-4 लोग, 10 लोग आके उठते बैठते हैं, भक्ति भाव करते हैं। महिलाएं भी आने लगी अपनी समस्या लेकर। तो ये बाबा अपना तंत्र मंत्र फूंकता था और वहाँ के जो लोग वो बताते, लोग ठीक भी हो जाते थे। और ऐसा करते करते वहाँ पर पूरी भीड़ होने लगी। महिलाएं जब इसके पास आती थी तो ये क्या करता था, ये चाय में नशीली दवाई मिला देता था। कुछ देर के बाद जायज बात, नशा हो जाएगा, कुछ याद तो रहेगा नहीं। और ये क्या करता था, उनके साथ रेप करता था और रेप के साथ ही साथ वीडियो भी बनाता था। और ऐसे कर करके 120 महिलाओं के साथ ये रेप करता है और वीडियो भी बनाता है। और चौंकाने वाली बात ये है कि इतनी सारी महिलाओं के साथ ये गलत काम करता था, लोग आवाज क्यों नहीं उठी, क्योंकि ऐसा करने पर ये धमकी देता था कि अगर तुमने किसी से ये बात कही तो ये जो तुम्हारा वीडियो है, ये मैं वायरल कर दूंगा। तो महिलाएं चुप रहती थी, लेकिन कोई कब तक चुप रहेगा। उसी महिलाओं में से एक महिला ने हिम्मत बनाई, उसने पुलिस कंप्लेन की। पुलिस कंप्लेन में छानबीन जब होता है तो ये सही पाया जाता है कि हाँ, ये जो बाबा करता है, लोगों को नशीली चाय पिलाता है, उसके साथ रेप करता है, ये सब सही बातें होती हैं। और बताया जा रहा कि जो जलेबी बाबा है, इसका कोई पुराना करीबी था, उसके पत्नी के साथ भी ये रेप किया। पुलिस ने इस बाबा को जब पकड़ा और कोर्ट में पेश किया तो इसके ऊपर तमाम धाराएं लगी और इसको 14 साल की जेल हुई। और उसी दौरान जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो इसके पास नशीली दवाइयां और भभूत भी मिला है, जिसमें वो भभूत में नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करता था और लोगों को देता भी था।